समाज सेवा में रत प्रतिष्ठित व्यवसायी, सरल हृदय, हंसमुख, शांतचित स्वभाव एवं मिलनसार श्री सुनील कुमार गोयल जी। फर्म रजत एंड कंपनी कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, रजत दाल मिल एवं रजत पल्सेस प्राइवेट लिमिटेड। आप दालों के थोक विक्रेता, इंपोर्टर एवं एक्सपोर्टर हैं। आपकी फर्म सन 1979 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों, श्री हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज मैं ऐसे व्यक्ति, ऐसे शख्स से मुलाकात करवा रहा हूँ, मैं अपने आप को साक्षात करवा रहा हूँ और मुझे साक्षात करवाते या करते हुए इतनी खुशी हो रही है जिसका मैं बता नहीं सकता। खुशी इसलिए हो रही है, वो अतीत मेरे सामने आ गया जो 1966 से 1966 से मैं कह रहा हूँ, और उस व्यक्ति से 1980 से मैं उनको जूझते हुए, संघर्ष करते हुए मैंने अपनी तरफ जीवन की तरफ बढ़ाते देखा। आज यदि उद्योगपतियों ने यहाँ दिया जाए उस व्यक्ति का, तो अति शोक्ति नहीं होगी। मैं सच्चे दिल से ऐसे व्यक्ति से मिलकर इतनी खुशी हो रही है, इतनी प्रसन्नता हो रही है। जैसे मैं मिला, वो हनुमान जी आओ, क्या हाल चाल है, जहां भी देखा उनकी जितनी तारीफ मैं करूं वो कम है। क्यों? उनका स्वभाव 1980 में था, वो कर वो स्टाइल मुझे देखा, वो विश्व महान व्यक्ति। उस सेक्शन का नाम है सुनील कुमार रजत एंड कंपनी के मालिक, प्रोप्राइटर। और सबसे बड़ी बात मेरी उससे हस्ती होगा, ये कौन है बड़ा जो है अपना, बोलो अपना आप नतीजा है आपका, लड़का है रजत, रजत का वो बेकार अच्छा भाई, वहां भी आपका संस्कार, उनसे मिलकर की मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसे महान व्यक्ति से आपका मैं आज परिचय करवा रहा हूँ, साक्षात करवा रहा हूँ। इनके मुखारविंद से सुनेंगे कि इनकी कैसे नीचे से चले, कैसे ऊंचाई तक, आज भी इनका कहीं अहंकार नाम की दरक आपको दिखाई नहीं देगी। इन्होंने वो जीवन देखा, मेरा भी जीवन देखा है कि मैंने कैसे नीचे से ऊपर तक, आज इन्होंने हिला कर मुझे रख दिया, इतना भाव बोल कर दिया जिसका मैं बता नहीं सकता। हनुमान जी, जो सेवा भाव आपने इस नए बाजार में दिया है, जो हमारे बाजार के अंदर पहले टेलीफोन नंबर याद नहीं रहते थे, तो उन्होंने छोटी पॉकेट डायरी निकाली कि हर आदमी पे छोटी पॉकेट डायरी जेब में रख के उस नंबर को याद ना करके एक दुकान में पहुंचा जाए। जो जिन्होंने नीचे से उठ के छोटी मंडी, बड़ी मंडी, अच्छा छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, हर आदमी के साथ कंधे से कंधा मिला के इस व्यापार को, इस नए बाजार को जिंदा रखने में पूरी सहायता करे। और इस बंदे ने, चाहे वो उलट चलाने में हो, चाहे उलट लोड कराने में हो, हर आदमी के साथ वही अपना नेचर रखा जो एक आम आदमी का होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे व्यापार में बड़ा हो, चाहे पैसे में बड़ा हो। इन्होंने अपने वर्ताव में, अपने परिचय में कभी भी कोई चेंजिंग नहीं लाई। वही अपना मीठा वर्ताव, वही चाहे अनिल चांदन जी के साथ हो, चाहे लाजपत राव जी के साथ हो, चाहे फकीर चंद जी के साथ हो, या योगराज जी के साथ हो। योगराज जी जिन्होंने हर बंदे के सुख दुख में हमेशा साथ रहे, चाहे वो छोटे से छोटा दलाल आ जाए, कोई छोटा नया दलाल पैदा होता था तो उसके साथ खड़े होते थे, उसकी एक मोटर 5 रुपये 10 रुपये तेज ले लेते। जब उस टाइम में 5 रुपये और 10 रुपये की वैल्यू होती थी, जब 5 पैसे 10 पैसे की, वहां 5 रुपये तेज ले लेते थे। जिस टाइम मसूर के भाव, चने के भाव 220 रुपये 210 रुपये होते थे, और लोग एक मोटर की दलाली के लिए 3-3, 4-4 घंटे धूप में फिरते थे, उस टाइम भी योगराज जी और लाजपत राय जी सोचते थे नए व्यापारी हमारे, फकीर चंद जी है, वो हमेशा नए बंदे को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करते थे और हमेशा भी करते। ऐसे मैं भी जब दलाली में आया तो मेरे को उन्होंने पूरा सहायता दी, दलाली सिखाई, दलाली में लाए, फिर मैंने अपनी दलाली करी, फिर छोटा चुवाई का काम किया। चुवाई का काम करने के बाद धीरे धीरे बच्चे साथ आए, भगवान ने साथ दिया, हमने छोटी सी इंडस्ट्री लगाई, जो आज हम वहाँ बाजार में बैठे। और हनुमान जी की तो जितनी तारीफ करी जाए उतना ही कम है। इन्होंने हमेशा हर आदमी के सहायता के लिए, चाहे छोटी मंडी हो चाहे बड़ी मंडी हो, हर एक का पता, हर एक को इंटरव्यू, हर एक का काम करने के लिए हमेशा साथ साथ आगे रहे।
मुकट लाल जी हमारे पिताजी के सगे मामा जी थे, हमारे जो बाबा जी है उनके साले थे। उन्होंने सन 44 के अंदर दाल मिल लगाया सोसना रोड पे, और मुकट लाल किरोड़ी मलकी के नाम से वो दाल मिल चला। और लाला मुकट लाल उस टाइम उड़द के किंग होते थे, जो नए बाजार के अंदर पूरा रैक का रैक एक साथ खरीदते थे। और उनके जमाई दाऊदयाल जी जिन्होंने स्कूल बनवाया नए बास में भारत टूटी चौक में, और उन्होंने सबसे बढ़िया दाल मिल बनाया उत्तम नगर में, जो आज भी दाल मिल के नाम से रोड मशहूर है। तो ऐसे ऐसे हस्तियों ने उन्होंने काम किया नए बाजार में, जब ये नए बाजार आज जिंदा है। बड़े बड़े लोग होते थे, हरदेव लाल मुन्नी लाल जैसे, जो हमेशा चाहे कोई दलाल नहीं आ जाए उसको हमेशा पुचकार के दाग काम करते। मामला चुन्नी लाल हुआ करते, मामला मुसद्दी लाल हुआ करते थे, कुंदन लाल घनश्याम दास फलम हुआ करते थे, बहुत टॉप की बनवारी राधे मोहन हुआ करते थे, जिन लोगों ने इस बाजार को अपने खून पसीने से सींचा और आगे बढ़ाया। संतलाल कन्हैया लाल एनगमनी होते थे, बनवारी लाल बाबू लाल होते थे, कुंजी लाल कुंदन लाल वाले होते थे, गर्ग गेनिंग कंपनी जो आज भी है, आज हरिश्चंद सुरेश कुमार है, ये फर्में बहुत पुरानी और इन्होंने पूरी अपनी कई पीढ़ी नए बाजार को दे दी है। आज फकीर चंद जी हैं, उनके बच्चे हैं, इम्पोर्ट में हो चाहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में हो, चाहे फकीर चाहे पंडित जिंदल हो, दिलीप जी हो, चाहे अपने शंकर जिंदल जी हो, शंकर जिंदल जी के दोनों बच्चे आज आगे से आगे व्यापार में इम्पोर्ट में आ रहे हैं। मतलब इस नए बाजार में जो भी बंदा आया है, चाहे वो छोटा है या बड़ा, वो कभी भूखा नहीं रहा, इस बाजार ने हमेशा उसका साथ दिया है। दाता बाजार आज भी दाता बाजार है, आज भी दाता बाजार है, आज भी दाता बाजार। व्यापारी भाइयों देखा आपने सुंदर बाजार बिछा, कौन सा इतिहास होता है हमारा दाता बाजार में गर्व हो रची है। ऐसे ऐसे हस्तियां इस नया बाजार में हुई है जिसको दाता बाजार के नाम से जाना जाता था। मेरे जैसे आदमी को उठा के खड़ा कर दिया, सुधीर बाबू ने बतला ही दिया किस तरह चलते थे, किस तरह की दो धूप रहती थी। मैंने खुद देखा किस तरह लाल से भाग रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, एक मिनट भी इनके आलस माप की कोई चीज सुधीर बाबू ने मैंने नहीं देखी। आज भी इनका सुपुत्र रजत बाबू वही भारत चल रहा है, ऐसा मुझे मेरी सोच है। सोच और भगवान शुभकामना देता हूँ इनके पिताश्री के कल दिखाए मार्ग पे चलेंगे और चलेंगे। तो इसलिए व्यापारी भाइयों आज इनसे आज साक्षात करके आपने समझ लिया होगा कि हमारा बिहार बाजार क्या था। इन्होंने पूरा विवरण के साथ पूरे पूरे परिचय के साथ ऐसे हस्तियां हमारे बिहार बाजार में रही है। मैं कोशिश करूंगा उन परिवार तक जाने की और आप तक पहुंचाने की, यह मैं आपके विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद। फिर धन्यवाद।